इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरस्टेट बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो भारत के साथ दूसरे देशों की जो सीमाएं हैं या बॉर्डर कह लो, और भारत के अंदर जो राज्य है उनके बीच जो सीमाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस के पीछे जो स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे। और हर एक क्वेश्चन उस पर हम आपको टाइम देंगे 5 सेकंड का, क्वेश्चन देखने के बाद आप इमीडिएटली गैस करना, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर है, फटाफट जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा आपको कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर लिख देना, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जब फिर हम बताएंगे करेक्ट आंसर तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कितना, बाद में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपको कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है यानी शेयर करती है। तो पहले तो ये बता दूं कि भारत के चारों तरफ जो है ना 7 कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। जब भी ये क्वेश्चन जो है ना बॉर्डर जो यहाँ मेंशन करा हुआ है ये लैंड बॉर्डर के बारे में कहाँ जा रहा है, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा समझ लेना लैंड बॉर्डर के बारे में बात करी जा रही है। वाटर बॉर्डर भी है या सी बॉर्डर जिसे हम मैरीटाइम बॉर्डर कहते हैं वो अलग है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लैंड बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ इंडिया शेयर करती है, वो 7 कंट्रीज है जिसमें से पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेंगी, चाइना नेपाल और भूटान आपको नॉर्थ में मिलेंगी, म्यांमार एंड बांग्लादेश आपको ईस्ट में मिलेंगी। तो ये हो गए 7 कंट्रीज जो भारत के चारों तरफ है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा अगर हम आते हैं अगर मैरीटाइम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 7। करेक्ट आंसर हो गया 7, ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर हम मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो मैरीटाइम बॉर्डर में भी मतलब 7 कंट्रीज ऐसे है जो भारत के साथ अपने जो मैरीटाइम सी बॉर्डर है वो शेयर करती है। कौन कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये जो 7 कंट्रीज है, मैरीटाइम बॉर्डर भी 7 कंट्रीज के साथ शेयर होती है और लैंड बॉर्डर भी 7 कंट्रीज के साथ शेयर होती है। इसमें से आप अगर देखोगे तो 4 कंट्रीज ऐसे है जो पाकिस्तान हो गया आपका, म्यांमार और बांग्लादेश, इसके साथ बोथ मतलब लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है इंडिया। और बाकी जो मैंने 4 बोला है कंट्रीज, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इनके साथ सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होती है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि लैंड बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ शेयर होती है और मैरीटाइम बॉर्डर जो सी बॉर्डर है कितने कंट्रीज के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे जिसमें पूछा गया है कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज शेयर्ड बाय इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, नीचे दिए गए हुए जो कंट्रीज है इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ भारत अपनी सीमा जो है सबसे लंबी सीमा शेयर करती है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल दो। चलिए इसका आंसर जो है ये है बांग्लादेश। भारत जो है बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लगभग ऐसा ही इतना अप्रोक्सीमेटली 4097 किलोमीटर के आसपास जो है इतने लेंथ का बॉर्डर जो है शेयर करती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कितने ऐसे राज्य है भारत के अंदर, कितने ऐसे राज्य है जिनका इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। मतलब क्या है, मतलब ये है उन स्टेटों की भी जो बाउंड्रीज है या बॉर्डर है वो सेम है जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत के जो एंड पॉइंट पे है जो बॉर्डर के पास वाले जितने भी स्टेट्स है तो वो हमें बताना है कितने स्टेट है। तो इसका आंसर जो है अगर आप बता सकते हो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसका आंसर हो गया 17। तो 17 ऐसे स्टेट्स है जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। तो यहाँ क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए सब 17 स्टेटों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन इंडिया, ऐसे कौन से स्टेट है जिसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो हम अगर देखें तो इसका क्वेश्चन हो गया वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट है जिसका आपको पता ही होगा लगभग, क्योंकि जब बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है तो लगभग ये पॉइंट आउट होता है वेस्ट बंगाल के ऊपर, क्योंकि तो किस लिए होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो कांटेक्ट है, जो क्योंकि लॉन्गेस्ट बॉर्डर, अभी अभी हमने आपको बताया कि सबसे लंबी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करती है, और वो करीब 2,217 किलोमीटर के आसपास है। देखो, बांग्लादेश के साथ भारत की जो बाउंड्री है वो है 4,097 के आसपास, उसमें से आधा से ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल के साथ शेयरिंग होती है, मतलब वेस्ट बंगाल की शेयर है 2,217, ठीक है ना, मतलब आधा से ज़्यादा तो भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ, उसमें से आधा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल के साथ शेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके सबसे छोटी बाउंड्री है, ठीक है, सबसे छोटी बाउंड्री है। तो अगर देखें, ये चार ऑप्शन है आपके सामने, अगर कमेंट लिख पाओगे, अगर करेक्ट आंसर लिख सकते हो तो अभी लिख लो फटाफट, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसमें से देखो, त्रिपुरा, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, इन चारों ऑप्शन को अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं इनमें से करेक्ट आंसर हो गया नागालैंड, क्योंकि नागालैंड के जो बॉर्डर है ना वो करीब 125 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, और वो जो है वो शेयर होती है म्यांमार के साथ ईस्ट के तरफ, ठीक है, इस दिशा में म्यांमार के साथ जो है उसकी बॉर्डर शेयर होती है, वो 125 किलोमीटर का लेंथ है वो बॉर्डर, इसीलिए, और वही सबसे छोटी जो है स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर यही सबसे छोटी है 125 किलोमीटर, जो म्यांमार के साथ शेयर होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा नागालैंड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें है विच स्टेट हैज मेनी इंटरस्टेट बॉर्डर। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कौन से स्टेट है, राज्य है, जिनका बहुत सारे अंतर्राज्य या अंतर्राज्य सीमाएं हैं, मतलब उस स्टेट के साथ सटा हुआ एकदम पास वाले पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य है बहुत सारे, मतलब सटा हुआ एकदम लगा, मतलब एक पास पास वाले है चारों तरफ, ऐसे कौन से राज्य है जिसके चारों तरफ बहुत सारे राज्य हैं जो उसके साथ सटा, मतलब सेम बाउंड्री शेयर होती है उनके साथ। तो इंटरस्टेट बॉर्डर का मतलब यही हो गया, अंतर्राज्यीय सीमाएं, राज्य राज्य के बीच में जो सीमाएं हैं। तो ऐसे कौन सी राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा शेयरिंग होती है, अपनी सीमा जो है बाकी सबसे ज़्यादा स्टेटों के साथ शेयरिंग होती है। तो इसमें से हो गया हमारा करेक्ट आंसर, अगर आप बता पाओगे तो आप अभी कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। इसमें से करेक्ट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसी एक राज्य है जो दिल्ली के पास है, और इसके आसपास जो है ना करीब 9 स्टेट्स है, और 9 स्टेट जो है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है, फिर आपका उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ भी है। तो ये 9 स्टेट है जो उत्तर प्रदेश के आसपास, मतलब पास में सटा हुआ, मतलब बॉर्डर शेयर होती है इन 9 स्टेटों के साथ उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच ऐसे कौन सी लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है। यहाँ जो लाइन से मतलब ये है कि बॉर्डर के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि उसी लाइन से ही तो बॉर्डर बनता है, सीमा रेखा जो है, लाइन, बॉर्डर लाइन जो है, तो लाइन से यही समझ लेना आप बॉर्डर के बारे में कहाँ जा रहा है। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड म्यांमार, तो करेक्ट आंसर हो गया, अगर आप बता सकते हो तो अभी कमेंट कर लो, करेक्ट आंसर हो गया इंडिया एंड भूटान बॉर्डर, ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। अब इसमें एक और ये जो बॉर्डर है ये मैं बता दूं आपको, ये करीब 1,643 किलोमीटर के आसपास है इंडो भूटान बॉर्डर, ठीक है। अब एक चीज़ आप अगर ध्यान दोगे, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड म्यांमार, कौन सा लाइन है जो इंडिया म्यांमार को सेपरेट करती है। अब जो है इंडिया म्यांमार के बीच इतनी लंबी, मैंने बताया कि 1,643 किलोमीटर की जो है बॉर्डर है। अब ये जो इंडियन बॉर्डर है इसमें कौन कौन सी
राज्य है, हमारे कौन कौन से राज्य है जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। तो आ गया अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है, मतलब उस बॉर्डर में चार ऐसे राज्य हैं। तो हमने क्या बोला है कि 1643 किलोमीटर टोटल बॉर्डर शेयरिंग है, और वो जो बॉर्डर है उसमें से चार स्टेट ऐसे आ जाती है उस बॉर्डर में जो कि इसके साथ म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये चार स्टेट है। मतलब अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना, हर किसी क्वेश्चन के पीछे हम कुछ स्टोरी बताएंगे और जिसके ऊपर बेस करके और एमसीक्यू बन सकते हैं। अभी हमने क्या बताया कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयरिंग होती है कौन कौन सी ऐसे स्टेट है, तो ये दूसरा। और ये क्वेश्चन क्या था, सेपरेट इंडिया और म्यांमार के बीच जो लाइन था। तो मतलब यहाँ से और क्वेश्चन निकल सकते हैं कि जो म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर जो शेयर होती है, उस बॉर्डर में कौन कौन सी स्टेट आ जाती है हमारी जो म्यांमार के साथ शेयर करती है। तो चार स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। व्हाट इज़ द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया कॉल्ड? नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह बहुत सारे इसके मतलब तीन कम से कम मतलब तीन अलग अलग क्वेश्चंस आपको हो सकता है दिखे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ही आपको दिखेगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता दूँ। इसका करेक्ट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका। देखो, सुगौली जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है, सुगौली। ठीक है, सुगौली या फिर आप सुनौली, कहीं कहीं सुनौली आपको मिलेगा, कहीं कहीं गूगल में सर्च करोगे या कहीं भी बहुत सारी जगह ऐसे सुनौली है, कहीं सुगौली है, कहीं बेलाहिया है, कहीं काली रिवर है, अलग अलग नाम है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो, भारत और नेपाल की जो बीच की जो बॉर्डर है, ये पहले स्टार्टिंग में जो है इसको बहुत पहले काली रिवर, क्योंकि बीच में एक रिवर आता है जिसको काली रिवर कहा जाता है। उसके बाद अब एक्चुअली में जो बॉर्डर का नाम है वो हम ये कह सकते हैं सुगौली एंड बेलाहिया। क्यों? क्योंकि सुगौली जो है, ये सुगौली एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट, एक टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की एक टाउन है सुगौली, और वहाँ शेयर होती है नेपाल के साथ भारत की जो बॉर्डर है। और जो है इसमें यस, और इसमें जो है रेडक्लिफ सॉरी बेलाहिया जो है वो उसके तरफ से बोला जाता है, नेपाल की तरफ से उस बॉर्डर को बेलाहिया कहा जाता है, और इंडिया की तरफ से सेम बॉर्डर को कहा जाता है सुगौली। इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और बता दूं आपको, जैसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। अब नेपाल जो है, भारत के साथ जो नेपाल की बॉर्डर की बात हमने कर ली है, अब जो उस बॉर्डर में इंडिया के कौन कौन सी स्टेट आती है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है उस बॉर्डर की लेंथ है करीब 1850 किलोमीटर, और जो हमारी स्टेट है जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है वो है, पांच स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका नेपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड, नेपाल बॉर्डर और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है, मतलब उसी बॉर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान? इंडिया और अफगानिस्तान को कौन सी ऐसी लाइन है जो सेपरेट करती है? ठीक है, मतलब बॉर्डर का नाम बताओ, सीधी सीधी बात है। ठीक, अब इसमें अगर आप देखोगे, इंडिया और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है बहुत बार न्यूज़ में भी आया था। इसका अगर आप आंसर जानते हो तो फटाफट अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो। देखो, इन दोनों के देश के बीच जो बॉर्डर है इंडिया अफगानिस्तान, वो है दुरंद लाइन। दुरंद कहते हैं, ड्यूरंट कहते हैं, अलग अलग, कोई दुरंद कहते हैं, कोई ड्यूरंट कहते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा दुरंद लाइन, दुरंद लाइन। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो, सॉरी, जो इसकी लेंथ है वो है करीब 2250 किलोमीटर, ये लेंथ है इस बॉर्डर की। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है, देखो अफगानिस्तान जो है ये एक्चुअली बलूचिस्तान से उससे सटा हुआ है, बाल्टिस्तान।
जिसे हम एक्चुअली नॉर्मली हर कोई बलूचिस्तान कहते हैं। बल्टिस्तान जो है, जो जम्मू कश्मीर के पार्ट, आज़ाद कश्मीर जिसे के पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ उस तरफ है गिलगित बल्टिस्तान। ठीक है, जब इंडिया, क्योंकि धोखे से पाकिस्तान ने इंडिया से ये लिया था। अब इंडिया क्या है, इंडिया मानती है ये पूरा जो है एरिया है कश्मीर का, वो पूरा इंडिया का ही है। मतलब गिलगित बल्टिस्तान जो है वो भी इंडिया का ही है, ये इंडिया मानती है। और हमारे मैप में भी है कई काफ़ी सारी जगह, क्योंकि वो हमारा हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से लिया था। एनीवेज, क्योंकि ये हमारा हिस्सा हम मानते हैं, गवर्नमेंट भी मानती है, इसीलिए क्योंकि बाल्टिस्तान के साथ सटा हुआ है अफगानिस्तान, तो इसीलिए जो है जो ये बॉर्डर बाल्टिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और क्योंकि इंडिया मानती है बाल्टिस्तान अपना पार्ट है, क्योंकि ये कश्मीर का पार्ट है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है ये इंडिया जो है लैंड बॉर्डर शेयर करती है। और टेक्निकली अगर देखा जाए, क्योंकि भारत सॉरी ये जो है हमारे पास है नहीं, अभी बाल्टिस्तान हमारे पास नहीं है, तो अफगानिस्तान से तो फिर ये बॉर्डर जो है वो तो बाल्टिस्तान के साथ है, तो हमारे साथ इंडिया, अभी जो कश्मीर का जितना पार्ट है वहाँ तो अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं आता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप यही करना कि भारत सरकार जो मानती है वही हमें मानना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट था और इसी को ही हम मानते हैं, इसीलिए हम इसको हम कहते हैं कि ये अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से मतलब लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहे कि भाई अफगानिस्तान तो अब इंडिया के साथ वो नहीं है, वो तो बाल्टिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन आप यही मानो क्योंकि ये बाल्टिस्तान जो है गिलगित बाल्टिस्तान ये इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए यही हुआ, यही मीन करता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और उस बॉर्डर का नाम है डुरंड लाइन, और उसका जो लेंथ है वो है 2,250 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड बांग्लादेश। वो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, अगर आपको पता है तो आप अभी फटाफट इसमें लिख दो कि क्या कहा जाता है। देखो ये सबको पता है, इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं करेक्ट आंसर पहले, फिर डिस्कशन एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं। देखो बॉर्डर कहाँ जा सकता है, लाइन कहाँ जा सकता है, बॉर्डर लाइन कहाँ जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, सारी एक ही है। रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और इंडिया के बीच की बॉर्डर है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसमें आप देखोगे बहुत सारी ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत और इंडिया के बीच वाले बॉर्डर, और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि भारत इंडिया के सॉरी बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसका लेंथ कितना है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और बांग्लादेश वाली सॉरी वेस्ट बंगाल वाली जो लेंथ है, बॉर्डर लेंथ वेस्ट बंगाल के साथ कितना बॉर्डर साझा करती है बांग्लादेश, वो भी हम बता चुके पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। इनमें से कौन सी देश सॉरी बॉर्डर है जो इंडिया चाइना को सेपरेट करती है, वो लाइन कौन सी है, उस लाइन का नाम क्या है। तो लाइन का नाम है, करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो मार्क कर दो, तो इस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कहा जाता है इंडिया और चाइना के बीच वाला जो बॉर्डर है। और इसमें अगर हम कहें, देखो चाइना के साथ भारत का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में कौन कौन सी स्टेट्स आती है, मतलब दूसरी वे में मैं कहूँ तो भारत की ऐसे कौन कौन सी स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। हमने तो जाना कि भारत चाइना के साथ शेयर करती है और उस बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब कौन सी स्टेट है उस बॉर्डर के पास में, हमारे इंडिया के कौन कौन सी स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारी कंट्रीज है सॉरी स्टेट्स है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान? इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करती है? आप अगर देखोगे तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रेड क्लिफ लाइन। तो आप अगर ध्यान दोगे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसमें इंडिया से पाकिस्तान बना, ठीक है, बांग्लादेश तो लेट में आया था। तो इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के शुरू में जो बॉर्डर जो डील हुआ था और जो नेमिंग हुआ था उसमें उस नाम को उस बॉर्डर को नाम दिया गया था रेड क्लिफ लाइन, बांग्लादेश बनने से पहले। तो मतलब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान जब थी तभी इस इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाले लाइन को रेड क्लिफ लाइन दिया गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना उसके बाद वो लाइन वैसा ही रह गया क्योंकि उस लाइन में कुछ हिस्सा बांग्लादेश को भी मिला। इसी वजह से वो जो बॉर्डर पहले से बना हुआ था रेड क्लिफ लाइन से वही नाम रह गया है। तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर का नेम जो है वो सेम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्रीज इन द ईस्ट? ईस्ट में पूर्व दिशा में अगर देखें तो भारत किसके साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है? बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप देखोगे चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, जो मेंशन करा हुआ है यहाँ आपको सारे लगेगा ये तो भारत के साथ जो है ये शेयर करती है लैंड बॉर्डर। लेकिन आपको ये बताना है कि इस दिशा में कौन कौन सी ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ भारत अपनी सीमाएँ जो है वो शेयर करती है। वो स्टार्टिंग में हमने आपको बता रखा था जो की है म्यांमार एंड बांग्लादेश। ईस्ट में, भारत की ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है जिसके साथ भारत जो है अपनी बॉर्डर जो है वो लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें है तो इसका इस वाले का हमने करेक्ट म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल? तो नेपाल की बॉर्डर के बारे में जब हमने आपसे डिस्कस किया था तब ऑलरेडी बताया था कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो नेपाल की बॉर्डर के बारे में जब बताया था उसका लेंथ भी बताया था और स्टेट्सों का नाम भी बताया था आपको। तो 5 स्टेट ऐसे हैं जो अपनी जो वो स्टेट अपनी बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ शेयर करती है। 5 स्टेट है। तो 5 स्टेट अगर बोलूँ कौन कौन से 5 स्टेट ऐसे हैं, मैं अगर रिकॉल करूं, पहले ऑलरेडी बता रखा था, रिकॉल करूं तो 5 स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेट है जो कि अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाउंड्री विद पाकिस्तान? इनमें से कौन सी स्टेट, मतलब कौन कौन सी स्टेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, नीचे दिए गए हुए जो स्टेट्स है उसमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती? तो इसको आंसर करने के लिए पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी स्टेट ऐसी है, मतलब कौन कौन सी स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली जो स्टेट है वो ऑलरेडी हमने बताया था आपको, जो शुरू में शायद आपको बताया था, एनीवेज फिर से मैं बता देता हूँ, 4 स्टेट्स है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर। इनके साथ जो है भारत, मतलब इनके साथ जो है पाकिस्तान अपनी सीमा शेयर करती है, या फिर आप ऐसे कह लो ये जो 4 प्लेस है, 4 राज्य है, इनके साथ भारत, मतलब पाकिस्तान अपनी सीमा, ये चारों राज्य जो है अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। अब इनमें से आप देख लो जो ऑप्शन दिया गया हुआ कौन सा ऑप्शन है नहीं, हमने गुजरात का नाम बोला था, राजस्थान का नाम बोला था और पंजाब का नाम भी बोला था, लेकिन हरियाणा का नाम नहीं बोला क्योंकि वहाँ में हमने जम्मू एंड कश्मीर के नाम बोला था। तो ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा हरियाणा, जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो इसमें दिया गया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ ए बाउंड्री विथ म्यांमार एज वेल एज बांग्लादेश?
ऐसे कौन से स्टेट है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो है वो शेयर करती है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो आपको ये देखना है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ किस साइड में ये म्यांमार और बांग्लादेश पड़ती है, उसके बाद इसके बारे में सोचना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। तो इसके लिए आपको मैप का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर अगर मैं बताऊँ तो इसका आंसर हो गया मिज़ोरम। मिज़ोरम एक ऐसी स्टेट है जो कि अपनी जो सीमाएं हैं वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ले तो विच ऑफ दिस स्टेट्स इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। तो अगर आप देखो तो ज़्यादा इसका आंसर करने के लिए बस दिमाग में ये रखो कहाँ ज़्यादा बांग्लादेशी आते हैं या मिलते हैं, तो और कहाँ से एंट्री होता है उसके बारे में अगर वो चीज़ आप दिमाग में रखोगे तो इसका आंसर आराम से कर पाओगे। अगर मैं देखूँ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो यहाँ कोई मतलब बंगाली आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन त्रिपुरा में तो सभी सारे बंगाली है, तो वहाँ क्या है इन्फिल्ट्रेशन, मतलब वहाँ जो है इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ से बांग्लादेश से उधर ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ बंगाली ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि त्रिपुरा जो ऐसी स्टेट है जो तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश के लिए आसान हो जाता है, बांग्लादेशी लोगों के लिए जो यहाँ काम के लिए आते हैं वो त्रिपुरा के थ्रू एंट्री करते इंडिया में आने के लिए। और भी दूसरी स्टेट है बट त्रिपुरा और आप कह लो वेस्ट बंगाल, ये दो जगह है। वेस्ट बंगाल तो सबसे मतलब ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड पोजीशन में त्रिपुरा है जहाँ से ये बांग्लादेश के लोग एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया, ये हो गया हमारा त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। ऐसे कितने इंडियन स्टेट है, राज्य है जो अपनी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। इसका तो मेरे ख्याल से बहुत इजी आंसर और ये आपको पता होना चाहिए कितनी ऐसी है जो मतलब राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो इसको आंसर करने के लिए आपको तो पहले आइडिया होना चाहिए कि भारत के उस साइड में जिस साइड में बांग्लादेश पड़ता है उस साइड में कौन कौन सी स्टेटें हैं, उनको उस साइड में कौन कौन सी स्टेट है उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, करेक्ट आंसर इसका है फाइव स्टेट ऐसी है जो कि बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी स्टेट है, असम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो इसका आंसर करने के लिए आपको जानना चाहिए कि नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट है जो है अपनी बॉर्डर शेयर करती है, और फिर चेक कर लेना है कौन सा नेम यहाँ है नहीं। तो ऐसे फाइव इंडियन स्टेट्स है जो नेपाल के साथ जो है अपनी बॉर्डर शेयर करती है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। ये जो स्टेट्स है ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब इस लिस्ट में से आप देखो कौन सा नेम यहाँ है नहीं। अगर मैं चेक करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश ही मिलता है जो उस लिस्ट में नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया ये। अब नेक्स्ट, बांग्लादेश इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। नीचे दिए हुए जो स्टेट्स है इनमें से किस स्टेट के साथ इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। यस, नीचे दिए गए हुए कौन सी ऐसी स्टेट है, राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ, मतलब सीधा सीधा इसका मीनिंग ये है जो कि बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। ये कौन कौन से, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है, राज्य है
तो अगर आप देखो, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है। वह असम फर्स्ट ऑप्शन देखो, असम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, असम तो शेयर करती है बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर, वेस्ट बंगाल भी है और मेघालय भी है, लेकिन नागालैंड है नहीं। नागालैंड कोई बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करती, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया नागालैंड। तो इस वीडियो में हमने इतना ही, आज जो है 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने लिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से शॉर्ट ही रखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि बॉर्डर से रिलेटेड ही होंगे, अलग अलग स्टेट्स के होंगे, असम के होंगे, देन दिल्ली के होंगे, देन ऐसे करके सारे स्टेटों के बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस और होंगे जो दूसरे पार्ट्स में होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और बहुत सारा प्रैक्टिस करना।